हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एमटीजी के अलावा नीट के लिए कोई दूसरी बुक बायो के लिए लगाना चाहते हो तो एक बेस्ट बुक है जिसमें करीब 6,500 क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन। बायो के चैप्टर वाइज बेस्ट हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हैं क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट वाइज एमसीक्यूज हैं। और अब तो पहले एम्स के लिए भी आती थी और लास्ट में 3 टेस्ट पेपर भी दिए गए हैं। इसके जो राइटर हैं वो हैं हरिओम गंगवार। एमटीजी के अलावा आप दूसरा बुक लगाना चाहते हो, ये 11th और 12th के लिए दो अलग अलग बुक आती हैं। ये 12th का बुक है और ये 11th का बुक है। इसका जो पब्लिकेशन है वो है एग्जाम क्रैक्स। ठीक है, एमटीजी के बाद में अगर आप दूसरा बुक, ऐसा होता है ना कभी बार कि आप एमटीजी लास्ट ईयर लगा चुके हैं और इस बार भी आपने एक बार लगा लिया है तो और दूसरा कोई बुक लगाना चाहते हैं स्टडी मटेरियल के अलावा, तो ये बुक काफ़ी आपके लिए अच्छी रहेगी। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप बुक परचेज ही करें, आप इस बुक को किसी फ्रेंड से ले सकते हैं या फिर इस बुक को आप कहीं से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। आजकल बहुत सारे लोग पीडीएफ, बहुत सारी वेबसाइट्स पर इसकी पीडीएफ्स रहती हैं। तो इसमें भी एवरेज देखिए आप, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है सारे। मैंने भी एमटीजी लास्ट ईयर 2 बार लगा ली थी, इस बार भी 2 बार लगा दी है, इसलिए दोबारा ये बुक लगाने की सोचा हूँ। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें और अलग अलग सेक्शंस हैं, देख रहे हो आप। बार बार एनसीईआरटी से पढ़ने से अच्छा होता है कि हम लोग डेली एक आध चैप्टर एनसीईआरटी का पढ़ ले या क्वेश्चन लगाए। अगर हमारे कोई टॉपिक वीक होता है तो फिर उसे एनसीईआरटी से दोबारा पढ़े, वो अच्छा रहता है क्योंकि उससे कंसेप्ट थोड़े अच्छे बनते हैं। तो आप भी इनको लगा सकते हो, 11th और 12th दोनों पार्ट आते हैं इसके। काफ़ी अच्छी बुक है, इसकी पेज क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और क्वेश्चंस तो पूछिए मत आप, क्वेश्चंस क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है ऐसी। मैंने करीब एक चैप्टर किया अभी 11th का, मुझे अच्छी लगी बुक ये। पीछे मिक्स्ड क्वेश्चन भी रहते हैं इसके और सॉल्यूशन देखिए ये वाला, यहाँ ये पीछे जब 4 चैप्टर खत्म हो जाते हैं तब तो सॉल्यूशन दिया है क्वेश्चन का, जैसे एमटीजीएम दिया होता है वैसे ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया है। एमटीजी की तरह भी इसी ने अपना सॉल्यूशन को एक्सप्लेन किया है और आंसर दिए हैं पीछे, तो ये बुक आप लगा सकते हो। और इनकी बुक को आप यहाँ से स्कैन भी कर सकते हो, देखो इसके इसका एप्लीकेशन भी दिया है आपको, इसका एप्लीकेशन भी जाके आप देख सकते हो और फ्री टेस्ट भी दे सकते हो। ये तो एक्सेस जिनको मिलता है उन्हीं के लिए होता है, बट बुक अगर आप बुक परचेज करते हो तो आपको ये फीचर मिलता है। ये नई बुक है, यहाँ से इसको अगर स्क्रैच करके हम लोग देखेंगे तो फ्री टेस्ट मिल सकता है ऑनलाइन के लिए। और बाकी देखिए आप पब्लिकेशन देख सकते हो आप, ये इसका पब्लिकेशन दिया गया है। और इसके बाद ये 12th की है, वो फर्स्ट वाली न्यू थी और ये सेकेंड हैंड बुक ली है, इसलिए इसका प्राइस करीब है, अगर आप सेकेंड हैंड परचेज करते हो तो ये करीब 150 की आती है सेकेंड हैंड बुक। ये सेकेंड हैंड है 12th वाली जो 150 की मिली है, कोई सॉल्व नहीं करता इसको, सब बिल्कुल नई जैसी है। तो नई सेकेंड हैंड मिली है 120 की। और ये जो बुक है इसका प्राइस जो दिया गया है वो है 625, लेकिन इस पे करीब 45 या 50% डिस्काउंट रहता है और 320 या 330 का बुक है मार्केट में। ये काफ़ी अच्छा बुक है, एमटीजी से भी अच्छा है। तो आप एमटीजी लगा चुके हैं या आप मॉड्यूल के अलावा साइड कोई दूसरी बुक लगाना चाहते हैं तो इस बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। नीट के लिए काफ़ी अच्छी बुक है ये। अगर आप चाहते हैं कि आपने सारे चैप्टर कवर कर लिए फिर से इसकी थ्योरी पढ़ी जाए एनसीईआरटी की, तो उससे अच्छा है कि आप बुक लगाएं और साथ में आपको किसी में परेशानी आती है तब वहाँ जाके टॉपिक्स को देखें, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो आप चैनल को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।